अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जी ताज़ा तरीन खबर लेकर हाजिर हुए हैं दरियाए सतलुज की। तो पहले ये खबर आप देखें, इंडिया से क्या कह रहा है, सुने कि जो फ्लड दरिया ने उन्होंने उत्ते पहुंचे कि जिते कि प्रशासन वालों विखाने की कोशिश करा कि जो दर ने 8 से 10 दर जे कि बंद कर दिए हुए हैं। 1,70,000 क्यूसक पानी जोड़ा वो घट चुका है, तो 1,00,000 अते कोई क्यूसक पानी जोड़ा चल रहा है। पर प्रशासन का यह कहना है कि जोड़ा हजे भी पानी कुछ दर जोड़े उन्होंने वालों खुले हुए हैं, उसका पानी का वहा जो तेज़ है, क्योंकि पिछों पानी का वहा घट होने जोड़े इधरले फ्लैट से जोड़े दरिया से जितों की बन टुटा से कुटी वाला घड़ोम के नजदीक तो उस एरिए जी इस वहा के कारण जी दवा जी कि जी मार वो घट पैन की संभावना है। इतने ये भी दसन योग है कि प्रशासन वालों निरंतर कोशिशा की जा रही ने कि किसी न किसी तरीके पानी से कंट्रोल किया जाए और जोड़ा यह बन टुटा है इसनों पूरा जाए ता जो जो वाला नुकसान लोगों का इस एरिए हो सकता वो ना हो। व्यूअर, जैसा कि आपने सुना, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तान के लिए। जो इतना बड़ा फ्लड आ रहा था उसमें कमी वाकई हुई है और जो है पानी तकरीबन पाकिस्तान में जो दाखिल होगा वो कम होगा। और जो सूरत हाल है गंडा सिंह पर, इस वक्त पानी मुसलसल कम हो रहा है, 1,64,975 क्यूसिक हो गया है। और सुलेमान की पर मुसलसल इजाफा हो रहा है, 1,67,514 क्यूसिक चल रहा है। और जो हेड इस्लाम है, हेड इस्लाम पर 31,672 क्यूसिक चल रहा है। तो व्यूअर, दरिया ने जो है इंडिया और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। जैसा कि आपने ख़बर में सुना कि इंडिया में जो है बांध टूटने से जो काफ़ी नुकसान हुआ है, उस नुकसान को कम करने के लिए जो है दरिया को कम किया गया है, दरिया के पानी को, और हरिके के मकाम पर जो है 8 फ्लड गेट जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। तो पाकिस्तान में भी काफ़ी नुकसान हुआ है, कसूर उकाड़ा में, और उसके बाद जो है बहावलनगर में अब दाखिल हो चुका है। और इसके अलावा जो है पाकिस्तान में पंजाब के जो अजला हैं, बहावलनगर हो गया, हासिलपुर, और उसके बाद करोड़ पक्का, बहावलपुर और जलालपुर, तो इनमें अभी तक जो है हाई अलर्ट जारी है। और लोग जो हैं मुख्तलिफ मकाम से जो है दरिया से उठकर अपने महफूज मकामात की तरफ रुख कर रहे हैं। और ये अच्छी बात है कि पानी जो है लेवल कम हुआ है और उसकी वजह से पाकिस्तान में नुकसान कम होगा, क्योंकि पीछे अब पानी काफ़ी हद तक रोक लिया गया है। और मज़ीद जो है आपको अपडेट मिलती रहेंगी हमारे YouTube चैनल पर। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएँ ताकि नए नोटिफिकेशन वक्त पर मिल सकें। तो ये सूरत हाल है, जैसे ही पानी की सूरत हाल चेंज होती है आपको बताते रहते हैं। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो है जो लोग डरे हुए हैं उनको असल खबर, असल हकाइक पहुंच सकें। तो ये जो खबर है आपको प्रूफ के साथ मैंने दिखाई है, और जो है अपना FFD की तरफ से जो खबर शेयर की गई है तो उसके मुताबिक जो है आपको आगाह किया है, तो इसमें झूठ नहीं है, सच की खबर है। तो मिलते हैं व्यूअर अगले वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।